हेलो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है सूद। बहुत ही प्यारी कहानी है, आशा है आपको पसंद आएगी। गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी न था। बेटी गौरा बाग से पत्तियां बटोर कर लाती तो माँ गंगा भार झोंकती थी। इसे सिर भर अनाज मिल जाता था तो दोनों खाकर सो पड़ती थी। इसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। हर माँ की तरह गौरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि किसी तरह उसकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने कभी दूसरा घर नहीं बसाया, ना ही कोई रोजगार शुरू किया था। तब भी माँ बेटी सुकून से रहती थी। इस बात को लेकर गाँव के लोगों पर माँ बेटी पर संदेह होता था। सबके मन में यही सवाल आता था कि दोनों स्त्रियां कोई धंधा नहीं करती, कोई मर्द भी नहीं है, तो फिर ये इतने आराम से कैसे रहती हैं? कभी ने किसी के सामने हाथ फैलाते भी नहीं देखा, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 5-10 कोस से अधिक उनका दायरा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि कोई गौरा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता? गौरा की शादी के लिए माँ बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आए, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। गौरा सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने उसे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर ना उठती थी। उसकी ये हरकत गांव वालों के शक को और मजबूत करती थी। सभी को यही लगता कि कोई स्त्री इतनी सती कैसे हो सकती है। दिन गुजरते गए, गौरा की माँ चिंता में घुलती जा रही थी। उधर गौरा की सुंदरता उसकी जवानी गांव वालों की नजरों में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस पर पहुंचते ही उसे रात हो गई। उस समय वह एक गांव में पहुंचा था। वहां लोगों से किसी कहार का घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देख गंगा बहुत खुश हुई। गंगा ने उस परदेसी से उसका नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। मंगरू नौजवान था, तभी उसकी निगाह गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर और शांत हावभाव की लड़की थी, जिसे देखते ही मंगरू भी मोह में पड़ गया। वह झट से गौरा के से सगाई के लिए मान गया। उसने 2-4 गहने खरीदे और कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा बेटी दामाद को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ रहने लगे। 10-15 दिन ही बीते थे कि मंगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जात के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे। मंगरू इन अटकलों से परेशान हो गया था, लेकिन वह गौरा को छोड़ना नहीं चाहता था। एक महीने बाद मंगरू अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। मंगरू ने भनोई के साथ खाने के लिए कहा। भनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। उसने साफ पूछ लिया कि आखिर क्या बात है। मैंने बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है, किसी से ना कुछ पूछा ना कुछ बताया। जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तुम्हारी हरकत की वजह से मैं समाज से रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। मंगरू तेजी से उठा, ससुराल लौट आया। मन बेचैन था, उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में गौरा को छोड़कर चला गया। इसी समय कई साल बीत गए, लेकिन मंगरू का कुछ पता न चला। पति के गायब होने पर भी गौरा उदास ना थी। वह खेलती हंसती मांग में सिंदूर लगाती रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। अपने पीछे मंगरू एक भजन की किताब छोड़ गया था। खाली समय में गौरा उस किताब से कोई भजन गाती थी। पहले गौरा और गांव की औरतों से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल उनके पास उन स्त्रियों से बात करने के लिए कोई ऐसा नहीं होता था। गौरा के पास अब गृह जीवन की ढेरों बातें थीं, जिसकी चर्चा वह गली मोहल्ले की औरतों के साथ करती थी। वह आप सभी को बताती थी कि मंगरू कितना अच्छा सहनशील है। तभी वहाँ मौजूद एक स्त्री ने पूछ लिया, गौरा मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है भला? बाहर जाकर पैसे कमाना ही मर्द का असली काम है। वहीं जब गौरा से यह सवाल कोई करता कि मंगरू खत क्यों नहीं लिखता, इस पर गौरा मुस्कुराकर कहती, अपना ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं कि गौरा सामने आ पहुंचेगी। सच कहूं तो मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। एक सहेली बोली, तेरी हम बात नहीं मानते, जरूर मंगरू और तेरी लड़ाई हुई होगी।
पापा भी इसी तरह बिना बताए उसे छोड़कर चला गया। गौरव बोली, बहना अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आई तो मैं जाकर ढूंढ मिलूंगी। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर रुका। इत्तेफाक से वह मंगरू का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और दो साड़ियां गौरव के हाथ में थमाई और बोला, मुझे मंगरू ने तुम्हें लेने भेजा है। ये सुनते ही गौरव की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गाँव की औरतों से मिलाई और सबको अपने जाने की खबर दे आई। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी लेकिन साथ ही खुश भी थी। रास्ते में गौरा के मन में हजारों बुरे ख्याल अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में अपनी माँ के अकेलेपन की भी याद आ जाती। डर सताता कि बेचारी अम्मा अकेले कैसी रहेगी, सारा काम अकेला करना पड़ेगा। बूढ़ी दिन भर रोती रहेगी। इसी उन्हें मूल में रास्ता कट गया। लगभग 3 दिनों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पहुंची। गौरा का दिल जोर से धड़क रहा था। वह प्लेटफॉर्म पर उतरकर मंगरू का इंतजार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया लेकिन मंगरू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद अब तक वह नहीं आया है। गौरा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। उसे मालूम ना था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उसकी राह देखते हैं तो कोई फायदा नहीं। गौरा बात मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल दिए। यह पहली बार था जब गौरा गाँव से बाहर निकली थी। उसकी आँखें इधर उधर चीज़ों को निहारने लगी हुई थी। अचानक तांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने रुका। गौरव उतरी और तेजी से सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। मंगरू से मिलने की थोड़ी सी भी देरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मंगरू का कमरा है? जाओ, वहाँ अंदर ही पड़ा होगा। गौरव अंदर आई गई लेकिन कमरे में कोई ना था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई और बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, मंगरू काम पर गया है, शाम को लौटेगा। यहाँ वह किराए पर रहता है। कमरे में मंगरू को ना पाकर गौरा थोड़ी मायूस हुई लेकिन शाम को मिलने की सोचकर मुस्कुराई और साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धुले, नहा धोकर शाम का इंतजार करने लगी। राह देखते देखते से देर शाम हो गई लेकिन मंगरू का अब तक कोई पता न था। गौरा का मन फिर घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया परंतु कमरे में एक दीपक तक न था। जब भी किसी की आहट होती गौरा को लगता मंगरू आया होगा लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न होती थी। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरा दौड़ कर दरवाजा खोला। सामने बूढ़ा खड़ा था। गौरा बोली, वो कब तक आएंगे? अभी आए नहीं। बूढ़ा बोला, अभी मैं मंगरू के दफ्तर से ही लौटा हूँ। साहब ने बताया कि मंगरू का ट्रांसफर हो गया है। मंगरू ने साहब से कई मिनटें की लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और दूसरी जगह भेज दिया। मैं दफ्तर से उसका नया पता ले आया हूँ। कल सुबह तुम्हें जहाज पर बैठा दूंगा और फिर तुम अपने मंगरू के पास चले जाना। गौरा घबराकर बोली, जहाज में कितने दिन का सफर होगा? बूढ़ी ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो लगेंगे जरूर, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गौरा बूढ़े के साथ मंगरू के पास जाने के लिए निकली। बूढ़े ने उसे जहाज पर बैठाया और विदा किया। जहाज जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था वैसे वैसे गौरा को लग रहा था कि उसकी अम्मा गांव सब पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी देख गौरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मंगरू को कहाँ खोजेगी या सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज पर कई स्त्रियां पुरुष सवार थे। गौरा उन्हें देखकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नजर एक कोने पर बैठी एक स्त्री पर पड़ी। गौरा ने हिम्मत करके उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? ये सुनते स्त्री की आंखों में आंखें टपटपा गई। बोली, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग ले जाएगा मैं वहीं चली जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास। स्त्री झट से बोली, बहन कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है? तुम किसके साथ आई हो? गौरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ लेकर आया है। मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था जिसकी आँखें एक आँख फूली हुई थी वही? गौरा, हाँ बहन वही। स्त्री बोली, बहन उसी दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। भगवान कहे उसके साथ दुष्टों को नरक नसीब हो। उस कपटी के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब जा रही हूँ मिस्र देश, वही मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूंगी। ये सुनकर गौरा के मुंह से बोल ना फूटे। मैं सोचने लगी, अब क्या करूँगी? इसे अपनी माँ ने गाँव सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करें बहन? स्त्री बोली, अब या तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मालूम चलेगा, या कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी और अपने दुख बताने लगी। गौरा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि साथी के 3रे साल में उसके पति की मौत हो गई
पति के ख्यालों के साथ में किसी तरह जी रही थी कि एक रोज पापी पूरा वेश बदलकर भिक्षा मांगने आया और सन्यासी का वो वेश धारण किया और मैं उसके जाले फंस गई। आज मेरी यह दुर्दशा है, इसने मुझे मेरे पति से मिलवाने का लालच दिया। मैं बेवकूफ पति से मिलने की चाह में इस बेरुपया की बात में फंस गई और इसके साथ चल दिया। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर भी नहीं लौट सकती और ये बूढ़ा मुझे पता नहीं कहाँ ले आया और जहाज पर छोड़ गया है। स्त्री की बातें सुनकर गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह बिल्कुल मौन हो गई थी। मंगरू से मिलने का सपना एक झटके में टूट गया था। गौरव को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गौरव बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है, मैं और तुम दोनों साथ ही रहेंगे। स्त्री कुछ न बोली, दोनों एकटक नीले आकाश की ओर निहारने लगे। कई घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा, सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। अब गौरव के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पांव नीचे रखा वह चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया, वह जहां जड़ बन गई। ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ आवाज दे रहे यात्रियों की बात सुन रही थी। ऐसा लगा मानो दुनिया रुक गई हो। गौरव के सामने वह दृश्य था जिसकी उसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था वह और कोई नहीं, मंगरू था। गौरव इस क्षण सातवें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मंगरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, गौरव ने प्रतिक्रिया न दी। इतने में यात्रा के दौरान मेरी स्त्री ने गौरव को कोहनी मारी। गौरव लड़खड़ा गई, मंगरू ने उसका हाथ थाम लिया। स्त्री, क्या हुआ, इस आदमी को पहचानती? गौरव बोली, बहुत अच्छी तरह से, ये ही तो है वो जिनसे मिलने घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा तो ये तुम्हारे पति हैं, अब तो तुम मेरे साथ ना होगी, मुझे भूल जाओगी। गौरव बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला, तुमने मुझे सहारा दिया। मंगरू इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था, वह यात्रियों की जानकारी जुटाने में व्यस्त था। गौरव कोने में खड़ी मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ तो वह गौरव के पास आया। मंगरू तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आई हो? गौरव मंद मंद मुस्काई और बोली, गौरव नाम है हमारा, मदनपुर बनारस से आए हैं। मंगरू ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ आई कैसे? गौरव ने उसके आंसू पोंछे और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलावा भेजा था सो मैं आ गई। मंगरू को समझ नहीं आया गौरव क्या कह रही है। उसने बोला, मैंने कब बुलावा भेजा भला, मैं तो पिछले 7 सालों से यहाँ कैद हूँ, चाह कर भी घर नहीं जा सका। गौरव घबरा कर बोली, तुमने बूढ़े आदमी को नहीं भेजा था मुझे लाने के लिए? मंगरू बोला, बिल्कुल नहीं। गौरव का मन छोटा हो गया, उसने जवाब के कोई आशा न की थी। गौरव गुस्से में बोली कि मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। मंगरू बोला, अब तुम यहाँ से अगले 5 सालों तक नहीं जा सकती गौरव, यही यहाँ का नियम है। गौरव बोली, ठीक है फिर मैं अलग अलग रहकर अपना पेट पाल लूँगी लेकिन तुम पर बाहर ना बनूँगी। मंगरू बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती गौरव, तुम सती हो देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुमको बहकाया उसी ने मुझे भी यहाँ भेजा है, और मेरे साथ मेरे ठिकाने पर चलो, मैं वहाँ आराम करने फिर आगे बताऊंगी। वह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गौरव बोली, या मेरी सहेली यात्रा के दौरान जहाज पर मिली, इसका यहाँ कोई ना है, अतः यह मेरे साथ रहेगी। मंगरू मान गया। तीनों लोग पैदल चल दिए। तभी सामने से एक लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई दिए। मंगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने कहा, आज से ये मेरी दोनों औरतें हैं। मंगरू को गोद का ठिकाना ना था। मंगरू चिल्लाकर बोला, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियाँ हैं, इन पर आँख न डालना। दोनों आदमी ठहाके लगाकर हंस पड़े। मंगरू का गुस्सा और बढ़ा। तभी एक आदमी गौरव की ओर बढ़ा और हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मंगरू चिल्लाया, छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी शहम गए, बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। मंगरू गौरव और उसके सखी आगे बढ़ गए। मंगरू बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि यह जगह तुम्हारी जैसी औरतों के लिए नहीं है। अचानक सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मंगरू से कहा, जमादार ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे में रहेंगी। मंगरू ने हाथ जोड़ लिए, बोला, साहब यह मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो। तुम गौरव की ओर इशारा कर उसने कहा, इसको हमारी कोठी में भेज देना। मंगरू कांप गया और सर ना में सर हिलाने लगा, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मंगरू समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने हुए थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री पुरुष बैठे थे। सभी गौरव सखी को गंदी नजर से घूर रहे थे। किसी तरह नजर बचाकर मंगरू दोनों औरतों को घर ले आ गया।
और खुद दरवाजे पर बैठा रहा। दोनों स्त्रियाँ कमरे के भीतर अपने भाग को कोसती तो मंगू दरवाजे पर बैठा रखवाली करता था। किसी तरह रात बीती, अगले रोज दिन किस तरह कट गया। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मंगलू निकला और देखा सामने सिपाही खड़ा। सिपाही बोला, चलो तुम। वो सामने बुलाया। मंगलू बोला, भाई तुम्हारे देश से के आदमी है, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी, मदद करो, जाओ साहब को कह दो मंगलू घर पर नहीं है। सिपाही बोला, ना बाबा बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, तुम साथ चलो। मंगलू के पास कोई चारा न था, वह सिपाही के साथ निकल पड़ा। मंगलू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाए, वह औरत कहाँ है, कल तुम उसको मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए। मंगलू ने हाथ जोड़ लिए और बोला, वह मेरी पत्नी है साहब। साहब बोला, वह दूसरी कौन है फिर। मंगलू, मालिक वह मेरी बहन है साहब। गुस्से में बोला, तो हम कुछ नहीं जानते, तुम उन दोनों में से किसी को लेकर आओ जल्दी। मंगलू साहब के पैरों गिर गया और रोने लगा, लेकिन साहब का दिल नहीं पसेजा। उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। मंगलू कोड़े खाने के लिए तैयार हो गया। साहब नशे में था, उसने ना आओ सोचा ना था, हंटा निकाला, कोड़े बरसाने शुरू किए। मंगलू की चीख निकल आई। साहब उससे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने के लिए तैयार ना हुआ। उसने अपने प्राण त्यागना बेहतर समझा। इधर गौरा और सखी कमरे में बैठे मंगलू की बात देख रही थी। उन्हें क्या पता कि मंगलू पर क्या बीत रही थी। अचानक किसी के चीखने होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। यह मंगलू की आवाज़ थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मंगलू की आवाज़ सुनकर उसे रहान आ गया, तो आवाज़ के पीछे दौड़ पड़ी। फाटक खुला। गौरा, कोई है आवाज़ देने लगी, लेकिन जवाब न मिला। वह अंदर जा पहुंचे। सामने मंगलू खुले बदन लहू लुहान हुए खड़ा था और अंग्रेज इस पर चावल बरसा रहे थे। गौरा से यह सहन नहीं हुआ। वह दौड़कर मंगलू से लिपट गए और बोले, इसके बदन में जितना, इसके बदले मुझे जितना मानना चाहो मान लो, इन पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर गौरा से बोला, तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गौरा बहुत असहाय महसूस कर रही थी, कुछ न बोली। वहीं मंगलू दर्द से कहरा रहा था, जिस साथ के लिए वह यह सब कर रहा था उसकी आंखों के सामने वह भी छोड़ रहा था। गौरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने मंगलू पर अत्याचार बंद किया और सिपाही को उसके अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मंगलू को अस्पताल ले जाया गया। गौरा भी उसके साथ थी। इलाज के दौरान गौरा एक क्षण के लिए भी मंगलू के सामने नहीं हटी। चार दिनों के इलाज के बाद मंगलू ने आंखें खोली। तय शर्त के मुताबिक अब गौरा को मंगलू का साथ छोड़ अंग्रेज के पास जाना था। यह उसे मंजूर नहीं था, ऐसे में उसे मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गौरा जाकर उसमें कौन थी। आनंद फानंद में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा मंगलू के पास आया और गौरव के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगलू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। जीते जी जो कभी साथ नहीं रह पाए, अब वे दोनों परलोक की यात्रा में साथ जा रहे थे। कहानी की प्यारी सी सीख। शुद्ध कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपना मन साफ और सच्चा रखना चाहिए। किसी कार्य को करने के पीछे यदि आपकी नीयत नेक होती है तो नियति आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।